लगातार हथियार से मौत के घाट उतारने वाला कातिल घूम रहे आजाद। यूपी के बांदा जिले के कमासिन थाना क्षेत्र में ग्राम बंथरी में धारदार हथियार से युवक पर हमला कर मौत के घाट उतारने वाले कातिल आजाद होकर घूम रहे हैं। घटना के 10-11 दिन बीत जाने के बाद अभी तक मुख्य आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। वह आजाद होकर घूम रहा है और आरोपी पीड़ित परिजनों को भी जान से मारने की धमकी दे रही है। उसके बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधीक्षक बांदा के चौखट पर आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और सुरक्षा की गुहार लगाई। जी नत्थू प्रसाद, कहाँ से आए हैं आप? बंथरी। क्या मामला आज लेकर यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय आप लोग आए? हमारा भाई मारा गया है। क्या नाम है उनका? राम स्वरूप। क्या है पूरा मामला? तो चले जा रहे थे बोर धान की बेड़ काटने के लिए, बीच में घात लगाए बैठे थे ये लोग अपराधी, तो बीच में पाकर के मारा कूटा और मार डाले काफी के, एक भतीजा घायल। कौन लोगों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया? इसमें अभी तक कार्रवाई हो रही है। भवन उठ भोला कुल्हाड़ी, सोमनाथ कुल्हाड़ी, शिवदास कुल्हाड़ी, रज्जू आरक हर्षा, शांतन बर्छी, कपिल आशीष कल्लू लाठी डंडा लिए थे और धुआंधार वार कर रहे थे। अच्छा, पुलिस किस तरीके कार्रवाई कर रही है इस मामले में? पुलिस हीरा पकड़े है, अभी तक 3 फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। सर कितने दिन लगभग हो गए इस घटना के? 10 रोज घटना के हो गए, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। और किस तरह की धमकियां वगैरह मिल रही हैं आप लोगों को? भद्दी भद्दी गाली दिए दे करके और धमकियां दे रहे हैं कि 2 आदमी को और मार देंगे तभी हम शांति है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि ये जो 3 आदमी फरार हैं ये भी हाजिर हो जाएं, जिससे हमारी जान माल की रक्षा हो। किसके पास आ जाएं? आज किससे मुलाकात करने आए? हम कप्तान साहब से बातचीत करने चाहिए। वहीं मृतक के भतीजे ने बताया कि चाचा अपने मित्र के साथ खेत की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में गांव के ही कल्लू त्रिपाठी ने अपने गुर्गों के साथ मेरे चाचा की धारदार हथियार से और लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी थी, परंतु अभी तक मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है और वह हमको भी जान से मारने की धमकी देता रहता है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामला कमासिन थाना क्षेत्र के बंथरी गांव का है, जहां पर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई थी, जिसमें 1 व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसमें कुल 8 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया था, जिसमें 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है, अन्य 3 की गिरफ्तारी भी जल्द कर ली जाएगी। 20 जून को एक मारपीट की घटना हो गई थी, जिसमें 1 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और इस संबंध में अभियोग पंजीकृत है। कुल 8 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें से 5 की तत्काल गिरफ्तारी हो गई थी, इसमें 3 लोग अभी गिरफ्तारी के लिए शेष थे और इसमें गिरफ्तारी का पूरा प्रयास किया जा रहा है, शीघ्र इनको गिरफ्तार कर लिया। सर प्रार्थी का आरोप है कि उनको धमकी वगैरह कुछ दे रहे हैं, इस पर क्या है? नहीं, अभी वो फरार हैं, धमकी कहाँ से देंगे, जब गाँव में है नहीं, पुलिस दबिश दे रही है, तो जैसे वो मिल जाएंगे उनकी हम गिरफ्तारी अतिशीघ्र करेंगे।